इस संगम युग पर बाबा से हमें ये समझ मिली कि मुझ आत्मा पर 63 जन्मों के विकर्म का बोझ है। जिसे एक जन्म में और वो भी इस जन्म के बहुत थोड़े से बचे हुए समय में विकर्मों को विनाश करना है। विकर्म विनाश करने के लिए एक ही अवस्था है और वो है बीज रूप अवस्था। निराकारी बीज रूप शिव बाबा के सम्मुख परम धाम में बिंदु रूप में टिक जाओ। एक ही संकल्प के साथ ईश्वरीय महावाक्य है, अचानक एवर रेडी और बहुत काल ये तीन शब्द हमेशा याद रखो। एवर रेडी का अर्थ ही है ऑर्डर हुआ। देह से न्यारा बिंदु आत्म रूप में उड़ चला परम धाम और ज्योति बिंदु बाबा के सामने। और शरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का भी वाइब्रेशन आएगा।
अपनी बीज रूप अवस्था का नियमित पावरफुल अभ्यास बढ़ाने के लिए आज एक विशेष स्वमान लेंगे। मैं गोल्ड, सिल्वर, सभी प्रकार के महीन धागों से मुक्त एवर रेडी आत्मा हूँ। आयरन कैटेगरी के धागे तो बाबा कहते उनसे तो आप मुक्त हो गए, लेकिन जो परिस्थितियां अपने अनुकूल क्रिएट करने वाली आत्माएं या वस्तु वैभव है, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक, इन सभी के भी अटैचमेंट से मुक्त, प्रभाव से मुक्त बनो। न किसी की विशेषता याद आए, न किसी की कमी। न किसी के द्वारा मिला हुआ सम्मान याद आए और न किसी से मिला हुआ अपमान। बस तीन बिंदियों की गहरी स्मृति, मैं बिंदु आत्मा, एक पल पहले तक भी जो हुआ बिंदु, फुल स्टॉप, बिंदु बाबा के सामने, हो जाए इस अभ्यास की गहराई में। उठ जाए परमधाम, अपने महाज्योति गुणों के सिंधु शिव बाबा के सामने पहुंच जाए, समा जाए उनके किरणों में।
मैं देह के भान से परे, मास्टर बीज रूपात्मा परमधाम में अपने अविनाशी बीज रूप शिव बाबा के सम्मुख हूँ। शिव बाबा से विकर्म भस्म करने वाली ज्वाला स्वरूप किरने मुझ आत्मा में भरे हुए विकर्मों रूपी कीचड़े को जलाकर खाक कर रही है। उनके अंश वंश कण कण को पतित पावन ज्ञान सागर में समाकर सदा के लिए उनका संस्कार कर रही है। लगातार ज्योति पुंज शिव बाबा से विकर्मों को भस्म करने वाली ज्वाला स्वरूप किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। और मेरे पास्ट के विकर्मों को भस्म कर जलाकर खाक कर उसकी अंश वंश कण कण को पतित पावन ज्ञान सागर में समाकर सदा के लिए उनका संस्कार कर रहे हैं। जिससे मैं आत्मा सच्चा सोना बनती जा रही हूं,
मैं आत्मा हल्की और हल्की अति लाइट और माइट अवस्था को प्राप्त कर रही हूँ। प्यार के सागर शिव बाबा ने मुझ आत्मा को सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बना दिया है। वाह, कैसी न्यारी और शक्तिशाली अवस्था है ये। मैं बीज रूप आत्मा स्वयं को परम धाम निवासी अनुभव कर अतीन्द्रिय सुख में गोते लगा रही हूँ।
बस नजरों में एक ही शिव बाबा, महाज्योति से बाबा, जिनसे लगातार निकल रहे असंख्य गुणों की किरणें उन किरणों में समाई हुई मैं आत्मा कितना न शुक्रिया अदा करूं प्यारे शिव बाबा का, जिन्होंने मुझ विकारों में जकड़ी हुई जन्म जन्मांतर के विकर्मों के बोझ से लदी हुई तमो प्रधान आत्मा को मेरी वास्तविक सतो प्रधान अवस्था मिला दिया। निरंतर पड़ रही है मुझ पर शिव बाबा से निकल निकल कर विकर्म विनाश करने वाली ज्वाला स्वरूप किरणें, जैसे जैसे विकर्म विनाश होते जा रहे हैं, बिल्कुल लाइट और माइट से भरपूर सतो प्रधान बनती जा रही हूँ मैं आत्मा। प्यारे शिव बाबा ने मुझ आत्मा से विकारों की खाद निकाल मुझे मेरी वास्तविक अनादि निर्विकारी अति पवित्र अवस्था में स्थित कर दिया है।
अब मैं अनेक प्रकार के गोल्ड सिल्वर के सूक्ष्म धागों से पूर्णतया मुक्त हूँ। लाइट और माइट स्वरूप बनी मैं आत्मा, अब घर लौटने के लिए बिल्कुल एवर रेडी हूँ। प्यारे शिव बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जो आपने हमें संसार की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर अपना बना लिया, मैं आत्मा तो जन्म जन्मांतर से आपको ढूंढ कर थक गई थी, आपने मुझे ढूंढ लिया। आपने मेरे ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल दिया। मुझे ये समझ मिल गई कि मैं आत्मा जैसा कर्म करूंगी
उसका फल मुझे ही मिलेगा। सचमुच प्यारे से बाबा, आपने मुझ आत्मा का हाथ थाम लिया मैं आत्मा तो दलदल में फंसी हुई थी, आपने हमें अपने गोद का बच्चा बना लिया। आप हर पल हमारा गाइड बनकर आगे आगे चलते हो। और गार्ड बनकर हमारी रक्षा भी करते हो। साथी बनकर हर कदम में साथ निभाते हो। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा आपका। मेरे सत बाप, सत शिक्षक, अविनाशी साजन, मेरे सांसों के स्वामी, मेरे सच्चे सच्चे सतगुरु, आपका तहे दिल से बारंबार शुक्रिया। धीरे धीरे मैं बिंदु आत्मा नीचे सूक्ष्म बर्तन में अपने लाइट के शरीर को धारण किए हुए मूल वतन में विश्व ग्लोब पर बैठती हूँ।
परम धाम से, शिव बाबा से अब भी मुझ आत्मा पर शांति और पवित्रता की किरणें पड़ रही है और मुझसे होते हुए पूरे विश्व में फैल रही है। उन दिव्य किरणों का स्पर्श पाकर हर एक आत्माएं सच्ची शांति की अनुभूति कर रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों तक भी ये दिव्य किरणें जा रही है। तत्व भी पावन हो रहे हैं। अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे साकार मनुष्य लोक में चारों तरफ बाप दादा से प्राप्त हो रही लाइट और माइट की किरणों को फैलाता हुआ अपने स्थूल घर में प्रवेश करते हुए किरणों को फैलाते हुए अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर गया हूँ। और सामने बाप दादा किसने भरी दृष्टि और हाथों में हाथ, जैसे बाबा शक्तियां अपनी ट्रांसफर कर रहे हैं।